We are joined by Dharmendra Yadav, the former Budayu MP in Mainpuri, as he campaigns for Akhilesh Yadav in the neighboring seat of Karhal. Yesterday, the family ran an entire campaign show, and Dharmendra ji, mere saath hai. Dharmendra ji, bada zabardast aapko maine campaign show tak kara. Sari family ikatthi aayi hai. Lekin ye bhajpa aarop lagati hai ki sirf family ka hi show hai. Aisa kyun? Aisa kuch nahi hai. Family ka show nahi hai. Yahan ke pure Karhal ki janta ka show hai. और पूरी जनता माननीय अखिलेश जी को जिताना चाहती, इतिहास रचना चाहती है। अब बीजेपी के पास कुछ बचा नहीं तो केवल फैमिली और इस तरह की बातें करके वो डाइवर्ट करना चाहते हैं, लेकिन जनता एक तरफा अखिलेश जी को जिताना चाहती है। और अध्यक्ष जी, कहीं ना कहीं जो माना जाता है कि मैनपुरी, इटावा, ईटा, ये सारे जो है वो यादव का गढ़ है या दुर्ग कहा जाता है, ऐसा है कि बाकियों से भी आपका सपोर्ट मिल रहा है, यादव का ही? नहीं, सबका सपोर्ट है और सभी के सपोर्ट से इतनी बड़ी सरकार इतना बड़े प्रदेश में बनने जा रही है और ऐतिहासिक बनने जा रही है। और हमारे लीडर आदरणीय अखिलेश जी, बीजेपी की पूरी नेताओं की एक बड़ी जो टीम बनी हुई है उनकी, जिसको वो जिस भी रूप में देखते हों, उन सबके ऊपर भारी पड़ रही है। जितने सारे सपोर्टर्स खड़े हैं, ये सारे यादव मुस्लिम हैं या आपको लगता है? नहीं, सभी लोग हैं, समाज के हर वर्ग के लोग। तो आपको लगता है कि नॉन यादव ओबीसी का आपको सपोर्ट? जबरदस्त, समाज का हर वर्ग। नॉन यादव ओबीसी का मिल रहा है, हमारे दलितों का मिल रहा है, हमें अप्रकाश का मिल रहा है। यादव मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ शुरू से ही थे, तो कोई इशू नहीं है, सभी का सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन अगर मैं पहले दो चरणों की प्रक्रिया मानूं, चरण एक और चरण दो जो हुआ, कहीं ना कहीं जो जाटों का सपोर्ट था वो आरएलडी में जा रहा था, लेकिन जाटों और मुस्लिम भी पूरा मिला है, जाट भाइयों को भी मिला है, मुस्लिम भाइयों को भी मिला है। मैं जब समाज के हर वर्ग की बात कर रहा हूँ तो सभी शामिल है। और अगर मैं ये कहूँ कि ये जो कल की सीट थी जहाँ पे आपने रैली कंडक्ट करी, करहल की जो सीट थी, धर्मेंद्र जी, भाजपा का बयान आता है कि धर्मेंद्र यादव खुद और डिंपल यादव जी अपनी सीट हार गए। नहीं, देखिए, हार जीत लगी रहती है, जनता का फैसला स्वीकार किया, क्या उसको इतिहास को हम डेली थोड़ी उसको दोहराएंगे। सवाल ये है कि जब चुनाव हारे, आज इतिहास रचने जा रहे हैं इसी चुनाव में, इसी क्षेत्र। और अगर मैं मैनपुरी, बुदायू, इटावा, इन सब जगह की बातें करूं, क्योंकि आपका यादव परिवार यहीं से आता है, डेवलपमेंट क्या क्या यहां पे रही है जो आपको याद आती है? डेवलपमेंट हुआ है, इसी करहल को यूनिवर्सिटी बनाने की आदरणीय अखिलेश यादव जी घोषणा की है, इसी मैनपुरी के अंदर सैनिक स्कूल बनाए, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, रोड्स देख लीजिए, हाईवेज देख लीजिए, एक्सप्रेस वे देख लीजिए, सारे डेवलपमेंट के काम जितने रिक्वायर्ड हो सकते थे वो सारे काम हुए हैं और आने वाले समय में होने हैं। और धर्मेंद्र जी, मुझे वो दौर याद आता है जब आपकी सरकार थी तो बॉलीवुड से सितारे आप लोगों को बहुत सपोर्ट किया करते थे, तो वो लगता है कि बॉलीवुड का जो सपोर्ट है इस बार कम आते महोत्सव में आते थे, वो कोई चुनाव कैंपेन में नहीं आते थे, वो एक अलग इवेंट से भी महोत्सव था उसमें वो आते थे। पर लगता है कि उनका सपोर्ट भी आपको रहेगा क्योंकि जया बच्चन जी आ रहे हैं? नहीं, जया बच्चन जी तो हमारी परिवार की, हमारी पार्टी की बहुत सीनियर लीडर हैं और वो तो पार्टी कंपनी में हमेशा नहीं, फिर से रहेगा, उनका आशीर्वाद। धर्मेंद्र जी, कहीं ना कहीं इस बारी के जो चुनावी मुद्दे हैं, पहले चरण में अगर जाटों का, किसानों का रहा, तो तीसरे, चौथे, पांचवे में आप लोग किस किस मुद्दों पे लड़ाई? सबका सपोर्ट है, उत्तर प्रदेश की तरक्की, विकास, उत्तर प्रदेश की तरक्की, किसानों का हित, नौजवानों का रोजगार, गरीबों की सुविधाएं, जो कर्मचारी हैं उनकी पेंशन, जो हमारे घोषणा पत्र है, उन मुद्दों को लेकर हम लोग जनता के बीच गए हैं और जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है। दो फेसेस में जहां 113 सीटों पर चुनाव हुए हैं, 100 से ज्यादा सीटों पर हम लोग जीत रहे हैं। अभी थर्ड फेस परसों आना है और मुझे लगता है फोर्थ फेस जब लखनऊ पहुंचेगा चुनाव, तब तक समाजवादी पार्टी को जरूरी बहुमत मिल चुका होगा। और क्योंकि एक समय 2017 में जब जनवरी में लड़ाई हुई तो शिवपाल यादव जी छोड़ के गए, अब वापस आ गए, और इस बारी इटावा में आप लोगों ने एक जॉइंट शो किया, तो शिवपाल जी के आने से फर्क पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, जब लोग जुड़ते हैं तो फायदा मिलता है, बहुत सारे पार्टियों से गठबंधन हुआ, आदरणीय चाचा जी भी आज हम लोगों के साथ हैं, स्वाभाविक है उसका फायदा है। आपको लगता है कि शिवपाल यादव को एक सीट से कोई? देखिए, वो संतुष्ट हैं, उनकी पार्टी संतुष्ट है, बीजेपी को दिक्कत क्यों है? बीजेपी को दिक्कत किस बात की? For more such fine stories and video reports from Field, subscribe to our channel, The New Indian.